तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारी ये लौकी के पकोड़े बन के तैयार हैं, बिल्कुल अंदर से जूसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के पकोड़े, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो लौकी है ये हमने अपने खेतों से लाया है, और लौकी का कुछ इस प्रकार से इसकी लताएं होती है, तो हमने ये अपने खेतों से इसे तोड़ के इसे लाया है। तो ये देखिए हमने फाइनली इसे तोड़ के रख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसके आधे से थोड़े से कम हिस्से को काट के रख लेंगे, और आप चाहे तो जितना ज़्यादा मात्रा में बनाएं। तो हमने यहाँ पे आधे से थोड़ी सी कम यहाँ पे काटा है कद्दू को। फ्रेंड्स, इसे लौकी को हम लोग कद्दू भी बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। तो अब हम इस प्रकार से इसे छील लेंगे, और फाइनली अच्छे से छीलने के बाद, और इस प्रकार के जब पकौड़े आप बनाएं तो देखें कि कद्दू बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, उसके अंदर बीज नहीं हो, नहीं तो इसके पकौड़े इतने अच्छे से बनते नहीं हैं। तो फाइनली हमने छील के इसके पीछे वाले डंठल को काट के इसे अच्छे से धो लिया है। तो इस प्रकार से हम इसे अच्छे से धो के उसके बाद हम इसे काटेंगे, और काटेंगे हम बिल्कुल पतले पतले शेप में, ताकि अच्छे से अंदर से पक सके। ज़्यादा मोटे काटेंगे तो पकेंगे नहीं। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे सारे कद्दू को हम इस प्रकार से काट लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे कद्दू को फाइनली इस प्रकार से काट लिया है, और इसकी जो मोटाई हमने रखी है कुछ इस प्रकार से है। अब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मोटाई है, तो ये देखिए इसकी मोटाई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम बेसन डालेंगे, ये लगभग आधी कटोरी, ये वेट में लगभग 60 ग्राम के आसपास है, और उससे आधा हम चावल का आटा लेंगे। उसके बाद हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और ये कलौंजी जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, और ये अजवाइन, और सारे को हम डाल के हम इसे पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे, इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े पानी डाल के आप इसे मिलाएंगे। तो फाइनली ये हमने ये घोल को तैयार कर लिया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने बैटर को रखा है। फ्रेंड्स, आप बैटर को थोड़ी सी गाढ़ा ही रखें इसमें, क्योंकि पतला बैटर रखेंगे तो फिर ये उतने अच्छे से बनेगा नहीं, और तेल में बेसन डालने के बाद पिघल जाएगा। तो हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास डाला है, और कुछ इस प्रकार से बैटर में हम कद्दू को, जो कटा हुआ भाग है कद्दू का, हम इस प्रकार से इसे बेसन में लपेटते हुए इस प्रकार से हम डालेंगे। तो ये देखिए इसी प्रकार से हमने सारे कद्दू के पीसेस को इस प्रकार से हमने तला है। तो ये देखिए, तो हम तेल को बिल्कुल हीट कर देंगे, और डालने के बाद थोड़ी सी कम कर देंगे तेल के फ्लेम को। तो अब हम इसे पलटी करेंगे इस प्रकार से, दोनों तरफ से हम इसे पलट के अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा सुनहरा गोल्डन ब्राउन होके ये फ्राई हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों तरफ से ये अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा से इसका जो बेसन हमने गाढ़ा बेसन रखा है उसका ये रिजल्ट है। ये अच्छे से फूल भी गया है बेसन दोनों साइड से, और ये अच्छे से पक भी गया है। तो इसी प्रकार से हमने सारे कद्दू के पीसेस को इसी प्रकार से तला है। तब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितनी बढ़िया, ये बिल्कुल कचौड़ी की तरह देखने में लग रहा है ना। तो हम यहाँ पे टमाटो केचप के साथ इसे सर्व के लिए निकाले हैं। आप चाहे तो हरी धनिया चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसे काट के देखेंगे फ्रेंड्स कि ये कितनी जूसी है अंदर से, क्योंकि इस प्रकार से आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आप अपने मेहमानों को भी इस प्रकार से बना के खिलाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये इसका टेस्ट। ये देखिए कितना बढ़िया ये अंदर से जूसी है, तो है ना बिल्कुल। ये लौकी
के पकौड़े बनके तैयार फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।